ग्रह के सारे उपस्कर, सारे घर के पदार्थ भी प्रपन्न हो गए। इसीलिए लगता है कि आचार्यों ने, दाक्षिणात्य आचार्य श्री यमुनाचार्य जी ने कहा है कि हे भगवान, तब दास्य सुखई का संगीनाम, आपके दास्य के, दास्य का सुख जिन्हें प्राप्त हो चुका है, ऐसे जो आपके प्रपन्न शरणागत, आपके निष्काम दास, निष्काम सेवक, आपके भक्त हैं, उन भक्तों के घर की नाली का कीड़ा हमको बना देना। किंतु यदि भगवत सेवा सुलभ न हो, भागवतों का संग सुलभ न हो, तो हमको ब्रह्मलोक का भी निवासी मत बनाना। घर की नाली के कीड़े का तात्पर्य क्या है? प्रत्येक पदार्थ भगवान को निवेदित होगा, भगवान का चरणामृत, भगवान का अधरामृत, और उसको फिर भागवत ग्रहण करेंगे, भागवतों का पाद प्रक्षालन होगा और वो प्रसाद तृप्त होकर पावेंगे और फिर कुल्ला आदि करेंगे। तो भागवतों का चरणामृत और भागवतों का अधरामृत भी हमें कीट के रूप में भी सुलभ हो जाएगा, नाली में पड़े पड़े भी सुलभ हो जाएगा, तो हम अपने को भाग्यशाली अनुभव करेंगे। आहा, धन्य है, धन्य है।